गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीआईटी यूट्यूब चैनल एमबीए मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन स्टूडेंट। द सब्जेक्ट दैट वी यूज्ड टू डिस्कस इन दिस सेमेस्टर इज मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज। और आज के इस लेक्चर में हम सिंपली मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज के 7 P's के बारे में पढ़ेंगे। एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एज वेल, क्योंकि 7 P's का बायफर्केशन में 4 P's तो अभी तक आप सबने पढ़ा है। सर्विस मार्केटिंग इज सिंपली स्ट्रेटेजाइजिंग योर मार्केटिंग फॉर द प्रोविजन ऑफ सर्विस both in context of business and serving a consumer and as a business server other business। भाई अगर हम सर्विस मार्केटिंग की बात करें तो इसकी जो स्ट्रेटेजाइजिंग है मार्केटिंग करना कि कस्टमर को तो सर्व करना ही करना है, मतलब उसके साथ साथ जो आपके बिजनेस के साथ जुड़े हैं, जैसे B2B होता है तो बिजनेस के साथ साथ अनदर बिजनेस को सर्व करना, जैसे कि इंक्लूड टैक्स, अकाउंटिंग सर्विस, होटल इंडस्ट्रीज, एयरलाइंस, टेलीकॉम, हेयर ड्रेसेस, टेलर्स, ड्राई क्लीनर्स and so on। It may also include services that will contain what is a traditional physical products environment such as tech or customer support। A service is defined as any economic activity। अभी इसकी definition आप एक बार फिर से recall करिए। Service क्या है? Service is defined as किसी भी तरह की कोई economic activity that is not tangible in nature, जो दिख नहीं सकती है, this is not tangible, जो store नहीं की जा सकती है, does not result in transfer of ownership। ना ही आप किसी प्रकार की सर्विस को ओनरशिप ट्रांसफर कर सकते हैं। इट इज कंज्यूम इमीडिएटली वेयर द सेल इज मेड, जहां उसकी सेल हुई वहीं उसको कंज्यूम कर लिया जाता है। ठीक है, विद दिस डेफिनेशन इन द माइंड द 3 P's आर एडेड टू द ट्रेडिशनल मार्केटिंग मिक्स। इसी डेफिनेशन को ध्यान में रखते हुए जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग मिक्स था 4 P's का, उसके साथ 3 P's को और एड ऑन कर दिया गया। सिंस यू इट इज नॉट टैंजिबल, यू हैव टू कंज्यूम इट एज सून एज इज पॉसिबल। There are few factors that determine whether the consumer walk away satisfied। But ये भी बात उतनी ही important है, क्योंकि जो आपकी services हैं वो tangible नहीं होती हैं, they are intangible in nature, और उनको तभी consume कर लिया जाता है जैसे वो produce होती हैं। तो हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या customer satisfied है या नहीं है। There are environment in which services deliver। अब हम बात करते हैं कि particular माहौल को भी देखा जाता है जहाँ पे environment में service को deliver किया जाता है। एंड प्रोसेस थ्रू विच द सर्विसेज डिलीवर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, किस एनवायरमेंट में सर्विस डिलीवर हो रही है और किस प्रोसेस से डिलीवर हो रही है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। द नीड फॉर एक्सटेंशन इज ड्यू टू हाई डिग्री ऑफ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन द फर्म एंड द कस्टमर एंड द हाई फिजिकल नेचर ऑफ द सर्विस प्रोडक्शन प्रोसेस साइमल्टेनियसली प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ सर्विस। इसीलिए बहुत ज्यादा एक नीड थी कि 3 P's को क्यों एक्सटेंड किया गया, क्योंकि यहाँ पर कस्टमर और बिजनेस के बीच में एक बहुत ज्यादा हाई कॉन्टैक्ट रहता है और सर्विस प्रोडक्शन प्रोसेस और प्रोडक्शन कंजम्पशन भी साइमल्टेनियसली होते हैं। अब हम बात करते हैं 7 P's की। जैसे कि आपके सामने एक डायग्राम, अगर आप इसको देख पा रहे हैं तो इसको आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोडक्ट की। देखिए यहाँ विजिबल है प्रोडक्ट, फर्स्ट पी प्रोडक्ट, डिजाइन, टेक्नोलॉजी, कन्वीनियंस ऑफ यूज, क्वालिटी, पैकेज, ये सब। उसके बाद आता है प्राइस, वैल्यू बेस्ड, कॉस्ट प्लस, पीपल। ये 3 प्रोसेस ऐड हुए हैं जो पहले हम डिस्कस करते हैं। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। प्लेस रिटेल में, होलसेल में, मेल ऑर्डर, इंटरनेट, डायरेक्ट सेल, 1-to-1 सेल, मल्टी चैनल सेल। प्रमोशन, स्पेशल ऑफर, एडवर्टाइजमेंट, एंडोर्समेंट, यूज ट्रायल, कैंपेन, जॉइंट वेंचर। तो दीज आर ऑल द 4 P's ऑफ मार्केटिंग। आप बाकी 3 P's की अगर हम बात करें तो पीपल, फिजिकल एविडेंस एंड प्रोसेस। पीपल मतलब एम्प्लॉय, दो हु आर इन्वॉल्व टू ट्रांसफर टू डिलीवर द सर्विस, वो पीपल में आते हैं। फिजिकल एविडेंस इज फैसिलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्विस डिलीवरी, ये फिजिकल एविडेंस है। एंड प्रोसेस इज, क्योंकि मैंने आपको बताया कंजम्पशन और प्रोडक्शन साइमल्टेनियसली होता है, तो तीसरा भी इसमें प्रोसेस एड हो गया। ठीक है, अब हम इसको डिस्कस करते हैं 1 by 1। प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट इज फिजिकल प्रोडक्ट कैन बी इंस्पेक्टेड एंड ट्राइड बिफोर बाइंग, बट प्योर सर्विसेज आर इंटेंजिबल। भाई अगर हम प्रोडक्ट खरीदते हैं तो प्रोडक्ट को आप खरीद कर देख सकते हैं, परख सकते हैं कि सही है, जैसा चाहिए वैसा ही है, बट सर्विसेज इंटेंजिबल होती है। अ कस्टमर कैन नॉट गो थ्रू द शोरूम टू सी अ मेडिकल ऑपरेशन दैट ही इज कंसिडर। भाई अगर किसी का कोई ऑपरेशन होना है तो जाके देखेगा थोड़ी कि कैसा होगा, वो तो उसको उसी साइन पता चलेगा। दे डू नॉट नो वेदर दे आर टू परचेज द राइट सर्विस अंडर दे आर यूज इन सम केसेज लाइक मेडिकल सर्विस, कार सर्विस, दे कैन नॉट बी श्योर वेदर दे रिसीव अ राइट सर्विस और नॉट, जब तक आप उसका एक्सपीरियंस नहीं करते। तो 3 एलिमेंट जो हमने एड ऑन करे हैं, वो पीपल, फिजिकल एविडेंस और प्रोसेस, बहुत हद तक लोगों
मदद करते हैं ये डिसाइड करने में कि यस दे आर डूइंग द राइट कंजम्पशन। ठीक है, ब्रांड नेम ऑफ अ सर्विस बहुत इन्फ्लुएंस करता है कि अगर आप गाड़ियां खरीदने जा रहे हैं तो हुंडई की गाड़ी है, सुजुकी, मारुति सुजुकी के अंदर है, हीरो होंडा के अंदर कोई गाड़ी है, तो आपको पता है कि ब्रांड नेम से किस तरह की चीजें आपको मिल सकती हैं, इंश्योरेंस बढ़ जाता है। कस्टमर वुड बी लेस इंश्योर्ड टू क्वालिटी अगर उसके पीछे ब्रांड नेम नहीं है, प्रमोशन नहीं है। इसके साथ एक वर्ड ऑफ माउथ की पब्लिसिटी बहुत इम्पैक्ट करती है। प्रमोशन सेकेंडली होता है जिसमें आपने देखा होगा कि प्रमोशन से इंटेंजिबल एलिमेंट में बहुत डिफिकल्ट होते हैं। प्रोडक्ट्स का प्रमोशन करना जितना आसान है, सर्विसेज का प्रमोशन करना उतना ही मुश्किल है। भाई जब तक आप किसी रेस्टोरेंट में जाके उसकी डिशेज को टेस्ट नहीं करोगे आपको कैसे पता चलेगा वहाँ का खाना अच्छा है? देखे तो आप बता नहीं सकते हो, आपको उसको कंज्यूम करना पड़ेगा। ये भी अपने आप में इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि भाई सेल्समैन कैन एक्सप्लेन द डिटेल्स ऑफ पर्सनल हेल्थ प्लान, पर जब आप उसको लोगे तभी तो पता चलेगा। नेक्स्ट होता है प्राइस। प्राइस इज एन इम्पॉर्टेंट टूल, इट इज डिफिकल्ट टू वैल्यूएट द सर्विस बिफोर परचेज। भाई प्रोडक्ट का प्राइस वैल्यूएट होता है क्योंकि ये सामान इतने का तो दिख रहा है, इतने इतना तो लग रहा है, बट सर्विस जब तक आप फील नहीं करोगे आप उसको आई मीन कि आप सर्विस को बेसिकली अगर एक्सपीरियंस नहीं करोगे तो फिर किस तरीके से आप उसकी प्राइस की वैल्यू लगा सकते हो कि भाई नहीं इस रेस्टोरेंट में इसकी चार्ज उतने होने चाहिए। जब तक आप अपने उसका एक्सपीरियंस नहीं किया आप कैसे डिसाइड कर पाएंगे। प्राइस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट टूल इन मैनेजिंग डिमांड्स। ओके, नेक्स्ट इज प्लेस। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ऑफ सर्विसेज आर मोर डायरेक्ट, देर इज नो स्टोरेज ऑफ सर्विसेज। भाई प्लेस इसलिए इम्पोर्टेंट है कि प्रोडक्ट में तो भाई रिटेलिंग, होलसेलिंग ये सब चीजें चलती हैं तो होलसेल में तो स्टॉक बनाना पड़ता है, पर सर्विसेज को स्टोर नहीं कर सकते हैं, वो तो आपको कंज्यूमर के साथ साथ ही प्रोडक्शन के साथ कंज्यूम हो जाती है, तो इसलिए उसका प्लेस भी बहुत डायरेक्टली कॉन्टैक्ट रहता है। इसके बाद आता है पीपल। कंपनी हैज टू सेट स्टैंडर्ड टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ सर्विस। जिस प्रकार के एम्प्लॉयज होंगे, कई बार ऐसा होता है कि किसी रेस्टोरेंट की डिश अच्छी नहीं होगी बट वहाँ के एम्प्लॉयज वहाँ की सर्विस इतनी अच्छी होती है कि लोग वहाँ जाना पसंद करते हैं, वहाँ आपको पर्सनल अटेंशन दी जाती है तो आपको वहाँ चीजें अच्छी लगने लग जाती है। भाई फॉर एग्जाम्पल अगर कोई अपने बच्चे का एडमिशन कराता है तो वहाँ देखा जाता है पढ़ाई कैसी है, वो अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बट उसके साथ साथ वहाँ के टीचर्स, वहाँ का एनवायरमेंट, वहाँ के लोग कैसे हैं, हाउ दे विल नरिश देयर चाइल्ड, उसको किस तरह से चीजें दिखाई जाएंगी, वहाँ किन लोगों के बीच में वो रहेगा, तो वो सब चीजें भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ एम्प्लॉयज और पीपल का। अगला एलिमेंट इसमें आता है फिजिकल एविडेंस, एनवायरमेंट इन विच द सर्विस इज डिलीवर्ड। आपने देखा होगा रेस्टोरेंट या हॉस्पिटैलिटी कल्चर में एनवायरमेंट को बहुत ज्यादा सूदिंग बनाया जाता है जहां पर सर्विस डिलीवर होती है। भाई अगर हम सैलून्स जाते हैं, रेस्टोरेंट्स जाते हैं, होटल्स जाते हैं, तो वहां का एनवायरमेंट बहुत ज्यादा सूदिंग और काम होता है, एक रिचिंग एनवायरमेंट होता है जिसमें हम अच्छा फील करते हैं, तो आपको लगता है कि यहाँ अच्छा है तो इसका मतलब यहाँ की सर्विस भी बहुत अच्छी होने वाली है। ठीक है, इसके बाद प्रोसेस मैंने आपको बताया, फ्लो ऑफ एक्टिविटीज बाय विच सर्विस इज डिलीवर टू कस्टमर्स। ठीक है, सेल्फ सर्विसेज, कैफेटेरिया में आपने देखा होगा सेल्फ सर्विसेज ऑप्शन भी होते हैं, तो ये प्रोसेस होते हैं जिससे आप सर्विस में इन्वॉल्व होते हैं। कई बार आपने देखा होगा बफे सिस्टम होता है, कई जगह पर सेल्फ सर्विस काउंटर्स होते हैं जहां पर आप अपने आप नीचे बुक्स ले सकते हैं, कैफेटेरिया में जाकर लोग अपने अकॉर्डिंग सब चीजें बना सकते हैं। तो ये प्रोसेस है जो आपको लाइव प्रोसेस, जैसे डोमिनोज में आपने देखा होगा लाइव पिज्जा आपके सामने दिखाया जा रहा है कि कैसे बन रहा है, तो ये सब चीजें ऐड ऑन कर रहे हैं लोगों की एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने के। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज लेक्चर। बहुत सिंपल और जनरल टॉपिक था, मगर आपको ये बहुत ध्यान देना है कि भाई जब भी हम मार्केटिंग मिक्स को पढ़ेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, ये साथ साथ जो दो या तीन एलिमेंट ऐड होते हैं, पीपल, फिजिकल एविडेंस एंड प्रोसेस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप प्रॉपरली पढ़ लें। लेक्चर से लिंक नोट्स आपको शेयर कर दिए जाएंगे। कंटेंट में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। ऑडिबिलिटी इशू ना हो तो आप ईयरफोन्स के साथ वीडियो को सुने, फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप आज के लेक्चर को आप समझ पाए हैं। 7 P's इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर दिस सेमेस्टर, फॉर दिस सिलेबस। मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज में मार्केटिंग मिक्स क्या होता है उसको बताना आसान है। मार्केटिंग मिक्स के एलिमेंट्स क्या होते हैं, पहले पता था 4 एलिमेंट है, बट सर्विस मार्केटिंग मिक्स के एलिमेंट होते हैं 7 एलिमेंट्स। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, पीपल, प्रोसेस एंड फिजिकल एविडेंस। तो ये 7 P's आपको याद रखने हैं। इसके बाद भी अगर कोई दिक्कत है तो यू कैन आस्क।